हे व्हाट्स अप बॉयज, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग यार कुछ इंटरेस्टिंग वगैरह होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं जी एक्सपो सेंटर। एक्सपो सेंटर में यार मोटर कार शो लगा हुआ है, आई मीन इसके डिफरेंट कंपनीज आई हुई हैं गाड़ीज़ की, वो व्हीकल्स की, गाड़ियों की। तो उन्होंने अपने मॉडल्स जो नए कोई रिलीज़ किए हैं, तो उनके कोई शो वगैरह उन्होंने करना, तो उनके पार्ट्स वगैरह भी हैं, गाड़ियाँ वगैरह भी हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए यार सीधा वहीं पर चलते हैं। तो वही बशिंदे असी फाड़ लेने, मेरा खब्बा हाथ ते मेरा सज्जाद लेफ्ट हैंड ते राइट हैंड दो भी फाड़ लेने। मैं हुन देखे सीधा ये रास्ता सीधा जाता है जी एक्सपो सेंटर को। हाँ जी, कंपनीज ने अपनी की हुई है शो ऑफ कर रहे हैं। ये अंदर देखो, अंदर आओ तुहानू विखाने आ। और ये देखो 2022 पाकिस्तान ऑटो शो। यार वो यार फाइनली अराइव, अंदर पहुंच चुके हैं। वो सामने स्विक खड़ी है जो नहीं आई है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि लैम्बोर्गिनी देखती हैं, देखते हैं कहाँ पे लगी हुई है लैम्बोर्गिनी। यार ये मैंने पहले देखी हुई है, पार्क व्हील्स की है ये, तो पार्क व्हील्स की है, ये पार्क व्हील्स वालों की देखी हुई है मैंने। कलर ये नहीं, कलर ये अच्छा है, कलर ये फरारी का कलर अच्छी है। देख रही लैम्बोर्गिनी? या 14 मॉडल ही पुरानी करा रही है, ग्लाडो है लैम्बोर्गिनी ग्लाडो, ये बड़ी पुरानी है। ठीक है, हाँ ट्रैक्टर में बैठते हैं, ट्रैक्टर में बैठते हैं, ट्रैक्टर में बैठते हैं, फिर वो ना पिचड़ लेते हैं अंदर। अच्छा ये ट्रैक्टर, हाँ पिंडा वाले जट ये ट्रैक्टर में बैठे, मैं अभी उतरते हैं ना सार्जेंट, लेकिन तब तक उससे देखते हैं सार्जेंट ही देख लेते हैं। ओके, ये तो वो है ना फॉर्कलिफ्ट कहते हैं ऐसे, हाँ फॉर्कलिफ्ट, देखा फॉर्कलिफ्ट कहते हैं जिसको वो ए तुसी ए खरीद के ना ट्रैफिक दिया गड्डियाँ चुकिया कर। ठीक है, ओए इस पर बैठते हैं, बैठे बैठे और सुभान भाई पिंडों वाले जट बन गए हैं। मेरे अंगूठे पे चढ़ गया मेरा ट्रैक्टर वगैरह, बहुत देखते हैं आप, देखते हैं आगे आगे कौन कौन सी तो आप देखते हैं, आगे चलते हैं यार वहाँ वहाँ। ओके, तो यार टोयोटा का ओपन, टोयोटा के इसके ना सारे पार्ट्स लगाए हैं। ये टोयोटा के अंदर सारे पार्ट्स लगाए हैं, यानी इसके पार्ट्स खोल खोल के रखे हैं। ये इसका टायर, ये टायर, ये इसके फ्रंट बम्पर, साइड बम्पर, इसका हुड, ये अंदर से ऐसी, अंदर से इसके सीट्स वगैरह। ये तो रोज देखते हैं, ये तो सड़क पर रुलती रहती है, एम जी सी 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 एस, ये तो देखते रहते हैं, ये देखते हैं वगैरह। एम जी वगैरह की तकरीबन गाड़ियां हम सड़कों पे देखते ही रहते हैं, लेकिन ये रुलती रहती हैं सड़कों पे, ये रुलती रहती हैं, इसलिए हम इसको देखते हैं, इनको मिस कराते हैं, कोई और नया मॉडल देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सैंपल मॉडल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये एवरी है, ये सैंपल मॉडल्स का, ये जो आई थी वो एच एस हसलर, ये हसलर है, ये हाँ नहीं नहीं महंगी होगी नहीं। अच्छा, ये गाड़ी इन्होंने खुद डिज़ाइन की है, हाँ कैंप लगाया था पीछे, इसीलिए कह रहे थे सैंपल मॉडल। अच्छा ये देख, ये ना नरान जाने के लिए है। नरान चलें, चलें ना यहाँ पे चलते हैं, ये भी गाड़ी लेके चलते हैं। ये एवरी को इन्होंने अपग्रेड किया हुआ थोड़ा सा। और ये यार पीछे बाइक्स लगी हैं हमारी, तकरीबन ये है डाइकी हो गई, डाइला का है, हाँ ये सारी बाइक्स लगी हैं, लेकिन हमें गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम गाड़ियाँ देखते हैं। इधर ये न्यू लग रही है सुजुकी अर्टिगा, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, इंटीरियर मजे का, इंटीरियर कैसा है, बताइए ये इंटीरियर है यार, बैक से कैसी है, बैक से देख लेते हैं। सुजुकी अर्टिगा, अर्टिगा अच्छी है, प्राडो टाइप शेप है, हाँ पिक्चर ले ले साहब। सही है, स्विफ्ट ये तो देखी हुई है, स्विफ्ट तो काफ़ी लोगों को पता होगा।
तो यार इधर सारे तकरीबन बाइक्स के पार्ट्स लगे हुए हैं जो कि हाँ देखे सारे बाइक्स के पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, ये बाइक्स के पार्ट्स हैं। तो यार ये थर्ड हॉल है, ठीक है, तो टोटल कितने हॉल्स हैं गिनी जाना। ये हम थर्ड हॉल में आए हैं, फर्स्ट सेकंड, अब ये थर्ड को हम कर लगे। यहाँ पे तो हैवल से स्टार्ट हुई है, नाइस कमाल। तो यार चलते हैं अंदर थोड़ा सा, वहाँ से अंदर थोड़ा सा देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं यार गाड़ी को, थोड़ा सा अंदर से इसकी कवरेज करके आते हैं। तो यार ये देख लो इसकी फाइनल लुक। अच्छा मैं दोबारा सो जाऊँ, मैं यार ये गाड़ी मुझे लिटरली बहुत पसंद आई है, यार कमाल की है। मुझे वैसे भी डरान वगैरह के लिए ये गाड़ियों मुझे बहुत ही बड़ी प्यारी लगती है, और ऊपर से इन्होंने इन्होंने डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा किया, नीचे इन्होंने सारा किया है ना, ये भी बड़ा कमाल का इन्होंने किया। और ये देखें कौन मिल रहा है, कौन मिल गया, इब्राहिम कैमरा शायद बच्चे। कैसे लगा आपको? सारे देख लिया, सारे घूम लिया, अभी आए हैं, चलो फिर मिल के घूमते हैं फिर। ये गाड़ी का मॉडल है हैवल, हैवल 86। और ये वही है जो वहाँ पे खड़ी थी वो रेड में, ये वही है ब्लैक में है यहाँ, हाँ ये वही है यहाँ, वो वैसे उन्होंने ना डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए रखी, ये वही है। ये कौन सी है, ये देखते हैं पीछे से देखते हैं। तो ये रक्षे हैं बेसिकली, ये हमारे फ्यूचर के रक्षे हैं। तो यार पीछे से ऐसा दिखता है मोवा, मोवा जैपनीज, ये जैपनीज वो है। और यही लगता है किसी कसाइयों ने कसाइयों ने इसको ना जिबा करके ऊपर कर दिया, कसाइयों ने इनको ना इनकी गर्दनें उतार के इनको टांग दिया बकरों की तरह, किसी कसाई के हाँ ये बिजनेस के कसाई के बेटे की दुकान है, बकरों की तरह टांग दिया। और ये कितना मजे का येलो स्कूटर, ओ ओ बाइक सुबह इसका, अगर ये तो अगर मनीर पास हो गया तो ये ठीक है, ना पास हुआ तो फिर ना पास हुआ तो ये सुबह रिजल्ट है। यार अब हैवी कार स्टार्ट होता है, हैवी व्हीकल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जो मैं तुम लोगों को दिखाने लगा हूँ ना, रेडी। हाँ जी फिर पार्क व्हील्स, ये सर पार्क व्हील्स ही हैं, ये देखते हैं इसके पीछे से देखते हैं पीछे से। हाँ 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 ये वो है सेंटिनेलो, सेंटिनेलो ये बड़ी पुरानी गाड़ी है और ये बड़ी कमाल की गाड़ी है, जब ये आई थी तो बड़ी कमाल की थी। सेंटियागो ऐसे का ऐसा कोई नाम है इस गाड़ी का, मुझे भूला, मेरे जहन से निकला हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है जी BMW Z3, ये मैंने नीड फॉर स्पीड में देखी हुई है, ये BMW Z3 है, ये भी रेसिंग टाइप कार है और ये बड़ी कमाल की है। हाँ फ्रंट से भी ये दिखाते हैं, आप देखते हैं, आप चलते हैं आगे, ये हम चलते हैं। ये है BMW फ्रंट से, ये BMW की वो हैवी बाइक है, ये BMW की है, कावासाकी की है, आई थिंक ये बेनेट की है शायद, आई थिंक, हाँ यानी जो भी कंपनी है समझ नहीं आ रही। ये जो है ये होंडा की है, हाँ ये होंडा की है, होंडा की है ना, हाँ ये होंडा है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.